अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द एलिमेंट फायर। आज हम अंसर आग, जिसे मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे पर्शियन में उसे आग ही कहते हैं, उर्दू में आग कहते हैं, हिंदी में अग्नि कहते हैं, फ़ारसी में आतिश कहते हैं, अरबी में नार कहते हैं, इंग्लिश में फायर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इसके नाम हैं। ये अंसर इसका फरिश्ता भी बड़े ही काम आता है। इल्मुल नजूम या एस्ट्रोलॉजी के रूप से तीन किस्म की आग है। एक वो आग है जो पहाड़ों के अंदर होती है, जिसे आतिश फशां कहते हैं, और इसके तीन जोडिकल साइंस हैं, एरीज, ल्यू एंड सेजिटेरियस, बुर्ज हमल, बुर्ज असद और बुर्ज कोस। बुर्ज हमल यानि एरीज का जो आतिश है उसकी किस्म और है, वो आतिश फशां है, वॉल्केनो है, उस आग को कहा जाता है। दूसरी किस्म सूरज है, उससे जो रोशनी या आग पैदा होती है वो दूसरी किस्म कहलाती है। और तीसरी किस्म आसमानी है, जो एस्ट्रॉइड्स के सूरत में वो आती है। चारों अनासर से तहारत भी होती है, चारों अनासर से प्यूरिफिकेशन भी होती है, और चारों अनासर से जो है वो दुनियावी काम भी होते हैं। तो हर अनासर की अपनी अपनी एक काम है। ख़ास तौर पे अगर एरीज की बात की जाए तो इसका ताल्लुक जो है इस यानि आतिश या फायर का जो ताल्लुक है वो अंडरग्राउंड अर्थ वाली आग से है, या जिसे पाताल लोक कहते हैं। तो मरने के बाद जो जालिम अरवाह होती हैं, गुनाहगार अरवाह होती हैं, ईविल स्पिरिट्स या बेड स्पिरिट्स, आइदर दे बिलोंग्स टू ह्यूमन आर डेविल्स, उनको बतौर सज़ा वहाँ पे रखा जाता है जब तक डे ऑफ द डूम आए या कयामत का दिन आ जाए। और सूरज की रोशनी ये फसलों को पकाती है। कोई भी आप फूड करते हैं, फूड को जो है ये रोशनी फराहम करती है, चाहे वो राइस क्रॉप हो, व्हीट क्रॉप हो, बैरले हो या कोई और क्रॉप हो। इसके अलावा हयाते दुनिया के अंदर, यानी अगर पानी के अंदर मछली है तो उसे भी रोशनी अंदर पहुंचती है। आप लोग जानते हैं कि इसकी 7 कलर्स लाइट होती है सूरज की। इस रोशनी से इस्तफादा के लिए मुतकदमीन जो एंशंट टाइम्स से थे और मुख्तलिफ मज़ाहिब से थे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ इस्लाम के थे, बल्कि हर मज़हब के अंदर
चाहे वो अच्छे मज़ाहब हों या बुरे मज़ाहब हों, यानि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो मज़ाहब हैं उनमें से हो या दूसरे मज़ाहब जो शैतान की तरफ से हैं उनकी तरफ से हो, दोनों तरह के जो मज़ाहब हैं उनमें जो उनके ख़ास लोग होते थे वो प्रैक्टिस करते थे ख़ास तौर पे मेडिटेशन की, और उसका वक्त जो था वो मुकरर करते थे, फिक्स करते थे अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइजिंग के टाइम। तो सनराइजिंग के टाइम पे ख़ास किस्म की जो लाइट की बीम्स होती हैं वो इंसान की बॉडी हीलिंग में काम आती हैं और इंसान को मुफीद होती हैं। देयरफॉर लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि सुबह को वॉक किया करें, इससे क्या होता है कि आपकी सेहत बेहतर होती है। और अगर उस वक्त पे मेडिटेशन की जाए और अपने जिस्म के कपड़े उतार कर सिर्फ तयबंद या लंगोट बांध के या अंडरवियर पहन के रिलैक्स हो के सूरज के सामने 15 मिनट्स टू हाफ ओ क्लाक यानि 30 मिनट्स तक अगर कोई बंदा बैठ जाए, उसी टाइम जब वो अगर मेडिटेशन भी करता है तो बेहतर है। अगर उसको मेडिटेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो वो जो लाइट होगी वो आप सनलाइट आप लोगों की हीलिंग करेगी, आपकी ब्रेथ की या आपकी बॉडी की दूसरे मसाइल जो हैं उससे हल होंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। फिर बाद में जो आने वाली लाइट्स होती हैं उनके अफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। सूरज की तरफ देखने की भी प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअलिटी में, सूरज की तरफ न देखने की भी है यानी सिर्फ बैठा जाए, वो भी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी से हैं। और आग को प्यूरीफायर कहा गया है क्योंकि बरोज़ क़यामत जब इंसान या जिन्नात जो भी गुनाहगार हैं, जो भी अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं या उनके अहकामात की इनहराफ़ी की है, तो जब उनको आग में डाला जाएगा तो वो प्यूरीफाई के लिए डाला जाएगा, और जब उनको निकाला जाएगा प्यूरिफिकेशन के बाद तो फिर वो एबल होंगे पैराडाइज के अंदर जाने के लिए। तो ये बेस्ट प्यूरीफायर है। ऐसे ही है जैसे सोने में अगर कोई चीज़ मिलाई जाती है तो उसको जब साफ़ किया जाता है तो फिर आग में डाल के उसको साफ़ किया जाता है, और अदर एलिमेंट्स को जो है उससे अलग किया जाता है। तो इसलिए आग जो है प्यूरीफायर भी है। आग जालिमों को सज़ा देने के लिए है, ईविल स्पिरिट्स को सज़ा देने के लिए भी है। और इस वजह से इसको स्पिरिचुअलिटी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को लोग फलिताजात भी देते हैं, आप लोगों को लोग जो हैं कहते हैं चराग जलाएं, तो ये इस वजह से सिलसिला कलंदरिया में आग को जो जलाया जाता है तो वहाँ पे बैठ के वो ज़िक्र अज़कार करते हैं, वो उनके अंदर होता है, उसे कहा जाता है कलंदरिया मच यानि मच के ऊपर। तो एक आग जला के वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे अज़कार करते हैं। लेकिन एक ऐसी आग भी है जो आसमानों से आती है और वो भी बंदशें तोड़ने के लिए और जादू शयातीन को भगाने के लिए है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से सूरज की कसम खाई है, ज़मीनों की आसमानों की कसमें खाई हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में, इसी तरह घोड़ों का नाम भी आया है। घोड़ा जिसे हार्स बोलते हैं, इस्प हार्स हसान ये घोड़े होते हैं घोड़ा। तो
इसकी भी कसम खाइए और सूरह आदियात वल आदियात जबन फल मूरियात कदन, यानी वो घोड़े जो दौड़ते हैं जंग के दौरान उनकी कसमें खाई गई हैं और उनकी एक फजीलत वाज़े हो गई है। ये घोड़े ज़मीनी भी होते हैं और ये घोड़े आसमानी भी होते हैं। ये घोड़े हार्सेस ज़मीन के भी हैं और कुछ हार्सेस आसमान के भी हैं। आप कहेंगे वो कौन से आसमानी घोड़े हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आसमान पे सेजिटेरियस के एंजल्स जो हैं उनकी सूरत, उनका जो फेस होता है वो इंसानों की तरह होता है और उनकी बाकी जो बॉडी होती है वो हार्स की तरह होती है और साथ में उसको दो पर भी होते हैं। तो ये एंजल जो होते हैं ये बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी मुआवनत औलिया अल्लाह को हासिल होती है, ख़ास तौर पे औलिया इकराम, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी तरफ कुछ घोड़े नुमा मखलूक रात को मिलने आई थी। या ये हमारे जो है अगर बुक्स को आप रेफ़र करेंगे जो कि औलिया इकराम की करामात में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे। इनमें हज़रत यूसुफ़ गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ से थे, उनसे भी घोड़े मिलने आते थे, ये बुर्ज कोस के एंजल्स थे। और हमारे इलाके में भी एक बुज़ुर्ग था हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन, यानि उनके जो खुलफा है उनके ख़ानदान में, और उनके ख़ानदान में बाद में भी जो है अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पैदा होते रहे हैं। तो वो आज से तकरीबन 50 साल पहले तक वो था, और उनकी वो जब शहर से बाहर निकलता था रात को तो फिर वो घोड़ा आता था और उस पर वो चला जाता था और उसके बाद वो फिर वापस आता था। लेकिन फिर जब लोगों को ज़्यादा मालूम हो गया तो उसको पर्दादारी के लिए, अख्फा रखने के लिए आपने जो है उनको वहाँ पे बुलाना बंद किया। तो इस तरह से ये होते हैं। अब आते हैं इस आग के फवायद क्या हैं। तो बुर्ज हमल मैदनी है, माइनिंग से ताल्लुक़ रखता है। सन की आग जो है ये निबाताती है और निबातात को मुफीद है। और तीसरी जो आग है वो जो आसमानों से आती है वो शयातीन के लिए आखिरी वार्निंग होती है और उसको आसमान पे चढ़ने नहीं देती, जिसे एस्ट्रॉइड शहाब साकिब कहा जाता है। ये एस्ट्रॉइड्स की जो आग है ये शयातीन को भगाती है, कितना भी बड़ा ताकतवर शैतान हो इससे जलता है, मरता है, ज़ख्मी होता है और इससे डरता है और इससे भागता है। इस एस्ट्रॉइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसके आयतें हैं और सूरह साफ़ात, सूरह रहमान और दीगर मकामात भी पे भी इसका तذکرہ होगा। लेकिन मैंने मशहूर जो सूरतें हैं वो सूरह साफ़ात, सूरह यासिन के बाद जो आती है, और सूरह रहमान, इसमें इसका तذکرہ है। अब इससे क्या किया जा सकता है? वो खबीस अरवा, वो खबीस शयातीन, जिन्नात या किसी तरह के भी शयातीन हो जो बिल्कुल ही नशोड़ते हों, सख्त किस्म की बंदिश करते हों, तकलीफ़ कर देते हों, बीमार करते हों, या उमूराते ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ दह साबित हों, तो फिर इन आयात को पढ़ा जाता है। और इसके लिए जो सही वक्त होता है वो एस्ट्रॉइड्स को देखना होता है। एस्ट्रॉइड्स जब ज़मीन की तरफ आते हैं उस वक्त आप लोगों को फेस करना पड़ेगा ईस्ट की तरफ, क्योंकि एयर
फायर का जो डायरेक्शन है वो आगे, और आप आग के लिए ईस्ट की तरफ यानी मशरक की तरफ मुंह करके रात को जब देखेंगे छत पे चले जाएं या किसी टीले पे चले जाएं, किसी बड़े बुलंद मकाम पे चले जाएं, और वहाँ पे जब आप पढ़ के इसको आयतों को, किसी के लिए भी किसी की भी बंदिश ख़त्म की जा सकती है। अब मसला यहाँ पे ये है, आप लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी बात इसने कह दी है लेकिन फिर भी लोगों ने को इतना फ़ायदा नहीं होता, तो इसकी वजूहात क्या हैं? तो इसकी वजूहात समझें कि आग की तीन अक्साम में से ये जो तीसरी अक्साम है ये बड़ी पावरफुल अक्साम है, और इसकी ही प्रॉपर्टीज़ शाह साकिब जो है वो है। और जब वो ज़मीन की तरफ यानी आपके जब इसे सितारा, टूटा सितारा कहते हैं, जब सितारा टूटता है उस वक्त आप इसको पढ़ते हैं इन आयतों को, तो बंदिशें टूट जाती हैं और खबीस भाग जाते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ शरायत हैं जो इल्मी, वो समझें पहले कि एरीज़ की अगर हम अमल करते हैं तो हमें मेदनियात का सदका लाजमी देना होता है। मोकलात का सदका जो देंगे, मोकलात की जो न्याज देंगे उसमें और सदकात में हमें मेदनियात शामिल करनी पड़ेंगी। और उस मेदनियात में क्या हैं? जैसे रूबी है, जैसे याकूत है, जैसे सिंदूर है, जो मेदनियात से ताल्लुक़ रखते हों, सुरख रंग है उसका। और इसी तरह जब हम सूरज के का अमल करेंगे और आग का फरिश्ता उसके साथ मिला के जब पढ़ेंगे, सूरज की साथ होगी, तो हम जो हैं गंदम का सदका देंगे या मकई का सदका देंगे जो नबातात से हो और येलो कलर में हो। इसी तरह जब बुर्ज कोस की जब पढ़ाई की जाती है और वो आतिशी अमल किया जाता है और आग के मोकिल को जब पढ़ा जाता है उसके साथ मिला के, यानि आग का एंजल ऑफ फायर एंड एंजल ऑफ सेजिटेरियस दोनों को मिला के जब इसमें आज़म के साथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे सदका जो होगा वो एनिमल्स से होगा। एनिमल क्लास एनीमिया एनिमल्स होता है, क्योंकि सेजिटेरियस जो है वो एनिमल्स से ताल्लुक़ रखता है। और वो एनिमल्स भी कौन से होते हैं? जो राइडिंग वाले होते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर। तो पाकिस्तान में तो घोड़ा नहीं खाया जाता, लेकिन दीगर मुल्कों में ये खाया जाता है। तो जब इसका जो है वो सदका दिया जाता है या इसका जो है इनको जब दिया जाता है, तो जो नवसतें होती हैं वो निकल जाती हैं, या कम से कम समझो कि जानवर का सदका देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि लोग समझें कि भाई देखो, आप लोग जब आमलीन के पास जाते हैं तो पहले तो ये कहते हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनका पैसा लेना उनकी भी ख़ास वजूहात होती हैं। अगर कोई सही बंदा होता है तो वो अगर कोई फ़र्ज़ करो बकरा ले या कोई ले, तो वो कोई मुफ्त में तो नहीं मिलेगा ना, उनको भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे और टाइम देना पड़ेगा। वो सदका होता है, वो आमिल तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आमिल खाएगा तो उसके जान के लाले पड़ जाएंगे। और किस मखलूक को वो चीज़ें खिलानी है, ये एक अलग सा पैटर्न होता है। ये इल्म की जो है ये अलग से एक चीज़ें हैं, ये नहीं है कि हर सदका जो है आदमी को खिलाया जाए। तो इसके लिए कुछ मखलूकात को खिलाया जाता है, परंदों को खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है, पानी में डाला जाता है, इस तरह से। और जो अच्छे लोग होते हैं वो आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये सदका दें, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हम जो इनको कहेंगे ये करेंगे नहीं, और वो खुद अपने ऊपर उनका ज़िम्मा लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ़दह बातें होती हैं। किसी का कितनी बड़ी मुसीबत होती है, किसी की कितनी, और जिस तरह की जो है काट की जाती है, इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है उस तरह के। और फिर लोग
जब जैसे इलाज करने के बाद भी परहेज़ नहीं करती और उनकी जान नहीं छूटती, तो उल्टा जो है उन अपने पीरों को और मुर्शिदों को और अपने जो है आमलीन या स्पिरिचुअल हेलर्स को गालियां देते हैं। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलूम को जानते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए इस वजह से नहीं करते। वो कहते हैं भाई इनको जाने दो, ये जाने खुद जाने, यही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पे एक घोड़ा समझो तो वो कितने का हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और घोड़े का जो वो सदका होगा वो किसको खिलाना है, ये एक अलग से एक पॉइंट है। तो फिर उसको पढ़ा जाता है और इसमें आज़म भी वही सिलेक्ट किए जाते हैं जो आतशी हरूफ से हों और बुर्ज कोस से हों। और जब उन दोनों को बामोकिल पढ़ा जाता है, बुर्ज कोस का मोकिल बुर्ज आतिश यानि फायर का, एंजल ऑफ फायर, एंजल ऑफ सेजिटेरियस और एंजल ऑफ द जो है जो लेटर होता है बुर्ज कोस का, उसका वो इसमें आज़म के साथ टच करके जब पढ़ाई की जाती है तो वो सख्त से सख्त जादू टूट जाता है। क्योंकि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा बल्कि ये कुरान मजीद में है कि एक पहरा होता है और जब शयातीन ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जलाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ से एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये आज तक लोगों ने मुशाहिदा किया है और इसे टूटा सितारा कहते हैं। तो आग के तीन एग्ज़ाम मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, तीनों की प्रॉपर्टीज़ बता दी। और तीनों जो है ये इंसान को जो है और मखलूकात खुदा को मुफीद हैं। तो हर एलिमेंट मुफीद है और बशर्तिक आपको उनका पता हो किस तरह के सदकात हैं, किस तरह की पढ़ाई है और उनको वक्त देना, उनकी रेगुलरिटी करना, उनको जो है एक प्रॉपर वे से जब किया जाता है तो वो सख्त से सख्त काला जादू हो, नीला जादू, पीला जादू, जितने भी आप लोग जानते हैं या सुनते हैं वो सब इससे खुल जाते हैं। खुदा हाफिज़।